वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ शेयर के बारे में जिनके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आज के दिन सिर्फ लेवल के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अरविंद के ऊपर। जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट टाइम जब इसमें एक अच्छा खासा पीक आ रहा था, तब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और मैंने उस समय कहा था किसी भी शेयर को अगर पीक पर बाई करते हो तो स्ट्रॉन्ग एसएल के साथ आपको बाई करना चाहिए। जैसा कि अभी का इसका प्राइस है 128.95 रुपये और इसकी डे की क्लोजिंग हुई है 2.38% डे लो पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अभी के टाइम में जो इसका प्राइस है 129 रुपये। तो अगर कोई न्यू बायर अगर अभी बाई करना चाहता तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही टाइम नहीं इसे बाई करने का। पर अगर किसी ने इसे बाई कर रखा है तो जो हमारे पास एसएल आ रहा है, दो एसएल आ रहे हैं, एक तो 126 रुपये का एसएल आ रहा है, एक 120 रुपये का, वो आप डिसाइड कर लेना। तो 26 रुपये का एसएल और 120 रुपये का, अगर ये 120 रुपये को ब्रेक कर देगा तो उस कंडीशन में इसमें बहुत अच्छी खासी गिरावट हो सकती है और फिर ये सपोर्ट लेगा करीब 105-106 रुपये के आसपास। तो अगर किसी ने शेयर बाई कर रखा है तो 120 को मिस मत होने देना और पूरे चांस है, देखो यहाँ से रिकवरी भी कर सकता है, पर 126 रुपये का एक सपोर्ट है, यहाँ से चांस है रिकवरी कर ले। पर यही दो एसएल आ रहे हैं इसमें और न्यू बायर हैं वो अभी इसे बाय मत करें। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है ट्राइडेंट। तो इस शेयर का जो करंट प्राइस है 40.55 रुपीज़ और इसकी डे हाई में आज की क्लोजिंग हुई है 4.92%। इसने डे हाई पे अपनी क्लोजिंग दी है। तो आपको याद होगा मैं काफ़ी टाइम से इसके ऊपर आपको कह रहा था कि आप इसे बाई करो और जब ये मेरे हिसाब से 14-15 रुपये के आसपास शेयर था तभी मैंने इसके ऊपर पहली वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था आप इसे बाई करो, क्योंकि इसका उस समय एक तो शेयर डिविडेंड पे करता है और साल में 2 बार डिविडेंड पे करता है, एक तो ये सबसे अच्छी बात है, और दूसरा कि उस समय इनका जो क्वार्टर का प्रॉफिट था वो 300% बड़ा था। तब मैंने कहा था आप इस पर स्टडी करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें अपनी होल्डिंग रख सकते हो। तो अभी के लिए जो उसका प्राइस है 40.55 रुपये, तो अगर अभी कोई इसे बाय करना चाहता, अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है तो अभी बाय मत करो। अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको 38 रुपीज़ के एसएल के साथ इसे ट्रेड करना है और जो हमारा एक टारगेट है 45 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप इसे बाई कर सकते हो। पर हमारा जो एसएल होगा 38 रुपीज़ का एसएल होगा इसमें। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है IDBI बैंक। आपको याद होगा मैं इसके ऊपर काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो बनाई है और मैंने जो लेवल दिया उसी के अकॉर्डिंग इसने परफॉर्म किया है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो करंट प्राइस है 53.35 रुपीज़ इसका करंट प्राइस है और डे की इसकी जो क्लोजिंग हुई है 3.96% डे लो पे इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब जैसा कि अभी का जो इसका प्राइस है 53.20 रुपीज़, अगर कोई अभी इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर किसी ने शेयर बाय कर रखा है तो 50 रुपीज़ के एसएल को ब्रेक मत होने देना। और आपको याद होगा जब इसका शेयर का प्राइस 40 रुपये के आसपास था तब मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कुछ दिन 42 रुपये के ऊपर सस्टेन हो गया ना शेयर तो आपको ये 45-50 रुपये तक का आराम से टारगेट देगा। और जैसे ही 42 रुपये के ऊपर कुछ दिन ये सस्टेन हुआ तो आराम से आपको 50 रुपये तक का टारगेट इसने दिया था। उसके बाद डाउनफॉल आया, फिर एक अच्छी खासी रिकवरी हुई। तो अभी के लिए जो हमारे पास एसएल है 50 रुपीज़ का एसएल है, अगर ये शेयर 50 रुपीज़ से नीचे कभी किसी भी दिन इसने अपनी डे की क्लोजिंग दे दी तो उस कंडीशन में इसमें एक अच्छी खासी गिरावट होगी। तो आप इसे 50 रुपीज़ के एसएल के साथ ही ट्रेड करो। जो न्यू बायर है वो अभी इसे बाइंग मत करे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।